तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं बना रहा हूँ अभी दूध, और वो सो रखी है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी वैसी हो रही है। और ये भाई विजय इधर ये कर रहे हैं चाय गरम। सर्दी कितनी है आज? धुंध पड़ रही है बाहर गाइस, बाहर धुंध पड़ रही है। दिखाता हूँ पहले, गैस कम कर लेता हूँ इधर से, नहीं तो पूरा दूध है ना बाहर आ जाएगा। चलते हैं बाहर। ओ माय गॉड गाइस, देख सकते हो बाहर धुंध है भयंकर वाली। तो गाइस ठंड बहुत ज्यादा है, सभी ध्यान रखे अपना, और हम रखते हैं दूध का ध्यान। दूध रेडी हो चुके हैं और इनसे भी कर लेते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे है तबीयत? ठीक है अभी? तो ऐसा भी ठीक है थोड़ी बहुत, तो दूध दूध पी लेते हैं। तो हेलो गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 6 और रोशन जी अभी आए ऑफिस से, क्योंकि मैं आज दिन में ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत हो रखी थी खराब, अभी भी हो रखी है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई। और आज हमारे यहाँ इतनी भयंकर ठंड है, ठंड नहीं है मतलब बारिश हो रही है, हवा चल रही है। हमारे यहाँ कई और जगह तो बारिश भी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अच्छा। मैं तो घर से बाहर निकली नहीं ना, मुझे पता ही नहीं इतना। तो ये अभी आए तो ये खा रहे हैं चावल, खत्म हो गए। इसको थोड़ा सा समझाओ जल्दी से ठीक होए, और बहुत सारे टेंशन लेते ही है तो इतनी टेंशन नहीं ले, अच्छे से रहे। देखो आपकी तरफ है कैमरा, आपकी मेहरबानी है, आप देते हैं मुझे टेंशन। गाइस मैं देता, मैं करूँ क्या, हो जाती है कभी कभी। बाकी आज बनने जा रहा है क्या? आज हम मैं बना रही हूँ बेसन के गट्टे। तो गाइस इधर भाभी जी खा रहे खाना, और भाई साहब देख रहे थे भाभी जी ना कतरे खाओ जो। अरे काय बनाए जे? बैंगन। आलू बैंगन? आलू बैंगन। गाइस आलू बैंगन, आलू तो रोज ही बनाते ही हैं, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। और ये इधर बैठी है पता ही नहीं क्यों। गाइस इसने ड्रेस मंगवाई थी आज, तो बताना कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है वैसे, बैठ बैठ के देख रही हूं कंफर्टेबल, चेक करके देख रही है गाइस कंफर्टेबल। एक नंबर ड्रेस आई है मेरी, मस्त है, मैं बहुत खुश हो गई, मैं दिल खुश हो गया। तो बस बताना कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। तो वैसे तो क्या है घर में अलाउ है नहीं वेस्टर्न ड्रेस पहनना, पर क्या है एक्चुअली कभी गाइस मिस्टर पता नहीं क्या बोल रही है, और अभी आया मैं ऊपर भाई तो अलवा खाऊंगी बुढ़वा। और ये दादी जी तबीयत ठीक? जब खा लिया रोटी वोटी तो अब खाओ ला। चलो बढ़िया बढ़िया, मिस्टर पता नहीं क्या बोल रही है। और इधर बन रहा है आज शीरो खाएंगे मटर है गाइस, सूजी का हलवा बन रहा है इधर, हलवा सूजी का। मिस्टू ओके कर दो, कैसे करते हैं ओके? ओके करो, ओके बोल दे ऐसे, ओके ओके कर दिया गाइस, ओके सॉरी बोल दो, सॉरी सॉरी। और गाइस ये भाई पता नहीं क्या दिखा रहा है कॉपी के अंदर, काम दिखा रहा है ये, इधर देखो क्या बन रहा है हलवा। अरे ऐसे बोलो आ जाओ, आ जाओ खाने, खाने आ जाओ, आ जाओ बोल, आ जाओ काम चेक करवा रहे, इनका काम चेक कर ले रहे गाइस, ये उसको मार रहे हैं मिस्टी, देखो मार नहीं रहे नानी, छोड़ दे भाई तेरी नाना जी ने मार, मामा मामा ने मामा 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 ने जीजू मार, देख नानी नहीं मार दे, नानी प्यारी जी भैया, नानी प्यारी है गाइस, जी 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 सारे को तेरा आका जी ज्यादा जी जी
इधर पूजा भाभी जी ने बर्तन भी धो लिए खाने के और हमारा तो अभी तक खाना बन रहा है, जो कि देख सकते हो आप। अभी तक तो ये सब्जी के छौंक लगाए हैं, दिखाता हूँ आपको। छौंक नहीं, तड़का। तड़का मतलब गाइस आप लोग बोलो कितना ऑयल खाते हो क्या। ये अभी तो गाइस डाला ही हमने, उसमें उबाल आएगा ना, उबाल आएगा, गायब हो जाएगा। उसमें गट्टे की सब्जी है वैसे भी, और रोटी बना रहे हैं गाइस, दो मेरी और दो इसकी, चार रोटी बस। और गाइस गैस भी खत्म होने वाला है हमको ऐसा लग रहा है, और हम सोच रहे हैं आज खत्म नहीं हो जाए। हाँ। क्योंकि आज हमारे पास बैकअप नहीं है, जो टंकी थी वो पूजा भाभी जी को दे दी। हाँ, बैकअप नहीं है हमारी, इस वजह से कल तो भरवा लेंगे। और मेरे को लग रहा है इसके हालत बेहतर है, खत्म होने वाला है वो कम कर रखी हूं पागल। अच्छा फिर भी लग रहा है मेरे को। गाइस बना लेते हैं खाना, बना लेते हैं गाइस रोटी। ऊपर तो इनसे खाए बना रहे थे, ऊपर पता है क्या बना रहे हैं? वो बना हलवा बना रहे हैं सूजी का, सूजी का सिर। गाइस यार दादी जी बीमार है ना, तो उनके लिए बनाते हैं कि जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए उनकी, इस वजह से। तो गाइस खाना खा चुके हैं, ये खाना डाल मतलब परोस दिया है, और इधर देखना साथ में तारक मेहता उल्टा चश्मा। और हम हमेशा मिस करते हैं खाना खाते हैं, जब मिस करते हैं मतलब कि अपने साथ और भी हो एक। हे माँ, माता जी। हेलो भाई, सभी बज चुके हैं रात के 11, और मैं खाना खाई थी लेकिन मुझे भूख लग चुकी है, तो फिर मैं अभी अपने लिए कुछ बना रही हूँ खाने के लिए, और दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। पॉपकॉर्न देख सकते हो, पॉपकॉर्न बन रहा है मेरे। इसका ढक्कन लगा दी, लेकिन ढक्कन नहीं, जगह तवा को रख दी, मैं यहाँ रखा हुआ था इसी रख दिया। मैं देख रही थी फ़ोन, और रोशन जी क्या कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे थे, लेकिन इनका फ़ोन मैं ले ली और मैं व्लॉग बनाने लग गई, तो देखा नाटक कर रहे सोने का। घर से इंसान अभी तो खाना खाई थी, तो उसको कैसे भूख लग गई। मैं ना मतलब खाना खाई थी, मेरे से खाया ही नहीं गया, पता नहीं क्या हो रहा है, भूख लगती है, खा भी नहीं पाती मैं ढंग से, कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मैं सोची क्या बनाऊँ, तो पॉपकॉर्न रखे थे तो वही बनाई हूँ, तो गाइस बना लेते हो, नहीं तो जल जाएंगे। आप करो रोशन जी से, गाइस आप लोग मेरे से बात करो। क्या बात कर रहे हैं अपन? हाँ गाइस, अपन ये बात करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, और आप लोग बहुत सारा सजेस्ट करते हो कि दीदी को उस डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर दिखाओ। तो गाइस डॉक्टर को मैं दिखा तो दूँ, बट अभी क्या है, जहाँ से मेडिसिन चल रही है ना, तो वहाँ से इसको आराम है काफ़ी, मतलब 70% आराम है। बट पहले बताऊँ क्या होता था, मतलब उसको एलर्जी होती थी तो उसको टैबलेट दे देते ना, तो टैबलेट देने के बाद आज ऐसा रहेगा, नेक्स्ट डे वापस हो जाता है। और अभी ऐसा है कि अभी मतलब इसको टैबलेट देते ना, तो कम से कम 3 से 4 दिन तो उसका असर रहता है बढ़िया, उसके बाद फिर होता है, तो मतलब 50 से 70% तो उसको आराम है। तो देखते हैं होपफुली अगर 1-2 महीने लगे इससे पूरा आराम हो जाता है तो ठीक है। और इसके पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं, और ये आज की है, तो उसको खाने देते हैं पॉपकॉर्न। नहीं तो गाइस अभी बज चुके हैं 11:30, और पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा के फ्री हो चुके हैं, तो अभी करते हैं एंड। एंड करने से पहले मैं अभी क्या है, कमेंट पढ़ रहा था पहले के, तो एक कमेंट आ रखा था कि आप ब्लॉग के चक्कर में है ना, आप किराएदारों को परेशान करते हो। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है ब्लॉग में आना, और किराएदार नहीं बोल सकते, एक्चुअली हम पूरे फैमिली के जैसे रहते हैं, सारे उठते बैठते हैं, खाते पीते सब साथ में ही हैं, बस यही कहना था आपसे। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस परेशान करने वाला। हाँ मैं वैसे भी कभी व्लॉग में लेता हूँ उनको, तो पहले पूछता हूँ व्लॉग में लेने के लिए कि कंफर्ट है या नहीं है, जब आए थे तो उन्होंने बोला नहीं है, हमें तो अच्छा लगता है आप लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वो तो और बोलता है कि हमें मतलब आपके व्लॉग के जरिए हमें लोग बाग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, आसपास में जाते हैं तो पूछते हैं हमें, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ना कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता और उनको भी अच्छा नहीं लगता, तो बस यही कहना था। तो इसी के साथ व्लॉग करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।